मैं दर्जन के हिसाब से केले बेचा, मैं दर्जन के हिसाब से केले दिया, मैं घंटे के दर से टैक्सी का भाड़ा दूंगा, वह महीने के दर से फीस जमा करेगी, मैं घंटे के दर से मजदूरी लूंगा। फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना पड़ता है जहां हम कहते हैं के हिसाब से या के दर से। तो क्या आप जानते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलना है? इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। यानी इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप लिखेंगे वर्ब, फिर आप लिखेंगे नाउन, उसके बाद बाय द, फिर आप लिखेंगे नाउन। कैसे? आइए इस बात को एग्जाम्पल्स में बेहतर तरीके से समझें। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो मैं दर्जन के हिसाब से अंडे लिया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई टुक एग्स बाई द डजन, यानी मैंने दर्जन के हिसाब से अंडे लिया। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले मैंने बोला सब्जेक्ट जो है आई, उसके बाद मैंने बोला वर्ब जो है टुक, फिर मैंने बोला एक नाउन जो है एग्स, फिर मैंने बोला बाई द, उसके बाद मैंने बोला एक नाउन जो है डजन। मैं मीटर के दर से कपड़े बेचता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई सेल क्लॉथ बाई द मीटर, यानी मैं मीटर के दर से कपड़े बेचता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले मैंने लिखा सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद मैंने लिखा एक नाउन जो है क्लॉथ, फिर मैंने बोला बाई द, उसके बाद मैंने बोला एक नाउन जो है मीटर। मैं लीटर के दर से पेट्रोल खरीदता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई बाय पेट्रोल बाय द लीटर, यानी मैं लीटर के दर से या लीटर के हिसाब से पेट्रोल खरीदता हूँ। अगर आपको कहना हो मैं घंटे के हिसाब से मजदूरी दूंगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई गिव वेजेस बाय द आवर, यानी मैं घंटे के दर से या घंटे के हिसाब से मजदूरी दूंगा। अगर आपको कहना हो मैं दिन की दर से या दिन के हिसाब से रिक्शा वाले को भाड़ा दिया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे I paid रिक्शा फेयर by the day, मैं दिन के हिसाब से या मैं दिन के दर से रिक्शे का भाड़ा दिया। वह दर्जन के हिसाब से केले बेचता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे He sells bananas by the dozen, यानी वह दर्जन के दर से या वो दर्जन के हिसाब से केले बेचता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलते हैं जहां हम कहते हैं दर्जन के हिसाब से या मीटर के दर से या लीटर के हिसाब से या लीटर के दर से। अगर आप एक कंप्लीट लर्निंग चाहते हैं तो आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए।